ठीक, चल सर शुरू करते हैं। सो अब मैं बैच के कुछ पहले डिटेल्स बोलना चाहूंगा। एक बार सभी ऑडियो को थम्स अप कर दीजिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, तो थोड़ा सा अपन बैच के बारे में अभी जान लेंगे कि किस प्रकार हमको बैच करना है और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा। ओवरऑल लेक्चर्स 25 से 30 रहेंगे। बैच के अंदर 100-200% कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा। ड्यूरिंग द बैच, आफ्टर द कंसेप्ट, अगर आपको कोई दिक्कत भी आता है तो आप बिंदास उठ के पूछ लेना। 1 मिनट के लिए पागल कहला जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, पर अगले 6 महीने तक कहला हो जाओगे, बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो जो भी है, जिधर से भी पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, पर आप बिंदास पूछ लो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कोई भी सवाल पूछा, आंसर देना मेरा काम है। तुमने पूछा सर गधे को पैर कितने, मैं बोलूंगा ओके 4, मैं 5 बोलूंगा, 6 बोलूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड्स किसने कितने देखे। बोलो हाँ, है ना? तो तुमने आंसर देना है। सेम प्रॉमिस मुझे तुमसे भी चाहिए। मैं अगर तुम्हें कोई सवाल पूछ रहा हूं तो तुमसे मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारी मूरत पत्थर वाली नहीं है। तुमको ऑलरेडी ठोक ठोक के ठोक ठोक के बहुत जमा कर दिया इधर उधर से, अब वो बने हुए मूरत में मेरे को और कुछ तुम्हें नक्शी काम करना है, समझ रहे हो तुम? तो टास्क बिकम डिफिकल्ट। तो मेरे को पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अगर मैं ये जान लूंगा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है तो उसको मैं ठीक कर सकता हूं। ठीक है, तो उसको अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे पहले जानना जरूरी है कि तुम्हारे दिमाग में एक्चुअल चल क्या रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। तो मैं कोई भी सवाल पूछू, जैसे मैंने तुमको बोला गधे को पैर कितने, बोलो कितने। हे हुई बात, कोई 5 बोला मैं डांटूंगा नहीं, देखा हो सकता है उसने, उसकी मर्जी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को 5 बोला, मेरा काम है ये प्रूव करना कि नहीं भाई चार ही होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। ये चीज को तुमने अच्छे से याद रखना। नाउ हम क्लास में आए हैं तो क्लास के कुछ रूल्स, जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं ठीक है, वो अपने को मानना जरूरी है, क्योंकि उसके सिवा क्लास फंक्शन नहीं कर सकती। रूल नंबर 1, अपन 4:15 बजे शार्प शुरू करेंगे एवरीडे 4:15 को, क्योंकि इसके पहले जो आदमी लेक्चर लेता है वो टाइम पे छोड़ता नहीं है कभी। ठीक है, तो अपन शार्प 4:15 बजे, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को पिछले 5-6 साल का। सो 4:15 बजे शार्प अपन लेक्चर शुरू करेंगे। तुम्हारा काम ये बनता है इसके पहले के लेक्चर में 4:45 बजे से तुम चिल्लाना शुरू कर दो, छोड़ दो छोड़ दो, तो जाके तुम 4 बजे छूटोगे। ठीक है, तुमको भी 15 मिनट का एक ब्रेक मिलेगा टू गेट रिफ्रेश्ड, और फिर अपन लॉ पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, 4:15 बजे। 4:15 बजे अगर कोई लेट आता है तो थोड़ा सा 2 मिनट बाहर खड़े रहना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो, क्योंकि आने वाला तो शाहरुख खान होता है। लो मैं आ गया, सब उसी को देखते हैं, मुझे तो भूल ही जाते हैं, उसमें भी कोई लड़की रही तो हो गया काम, आया ना। तो ऐसे सिचुएशन में कोई आ रहा है तो 2 मिनट बाहर खड़े रहना। ठीक है, मैं आपको एंट्री दूंगा, उस पीरियड में आपको कुछ मिस हो रहा है उसको सॉल्व भी मैं ही करूंगा। ठीक है, डोंट वरी। दूसरा रूल नंबर, आपके सेलफोन्स मुझे साइलेंट चाहिए, जैसे मेरे भी साइलेंट मोड पे ही रहेंगे। ठीक है, सो आपके सेलफोन्स मुझे साइलेंट चाहिए। ड्यूरिंग द लेक्चर कोई सेलफोन्स को ऑपरेट नहीं करेगा। तो आप चार्ट कॉपी कर रहे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, या कोई यहाँ पे आके बहुत मस्त सुंदर गाना गा रहा है कि तुमसे सहन ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो इट इज योर चॉइस। ठीक है, दैट्स नॉट ए इशू, बट पढ़ाते वक्त सेलफोन्स यूज नहीं करना। किसी ने सेलफोन यूज किया तो उसका सेलफोन मैं कॉन्फिस्केट करेगा और 24 घंटे उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करेगा। फिर मेरे को बोलना सर मेरा मस्त चल रहा है, तुमने बिगाड़ दिया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। तीसरा वाला, एक रजिस्टर मेंटेन करना 200 पेजेस का। ठीक है, अब उसमें से कितना लगेगा वी नेवर नो, बट 200 पेजेस का रजिस्टर मेंटेन करना। थोड़ा सा मैं तुमको ये भी बोलूंगा, इस फर्स्ट ट्रैक बैच में वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। पहले एक आध लेक्चर तो नहीं होगा, बट लेक्चर 2-3 से शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए अगर आप सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो तो दैट विल बी बेटर। ऑलरेडी हमने 6-7 टेस्ट बना के रखे हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं आपको टेस्ट दे दूंगा। एज इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच, मैं क्लास के अंदर कंडक्ट करवा सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, पर अगर आप घर पे दे सकते हो तो अच्छा है, वो भी उसी रजिस्टर में देना। ठीक है, तो आपका एक सेपरेट रजिस्टर 200 पेजेस का अगर रहेगा, जिसके अंदर आपके 100-150 सवाल अगर सॉल्व होंगे विथ टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग, तो आपको खुद को उसको देख के कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैंने मेहनत किया है, दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, रेगुलर बैच में दिस टाइम वी हैव रीच्ड टू 150-200 क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास के अंदर ही 150 से 200 सवाल विथ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिए थे, तो वो तो बच्चों को दिक्कत रहता ही नहीं है। तुम भी अगर एज अ फास्ट ट्रैक 100 सवाल या 150 सवाल विथ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो तो गंगा नहा लिए, 30 दिन में इससे ज्यादा भगवान से नहीं मिल सकते। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ, ना। तो एक सेपरेट रजिस्टर उसका और एक सेपरेट रजिस्टर इसका, दो रजिस्टर में अपना काम हो जाना चाहिए। मैक्सिमम चार्ट्स तुम्हारे बुक में है, बुक्स पूरे 4 कलर है, क्वेश्चनर बुक तुमको सेपरेट मिलेगा। क्वेश्चनर बुक में 500 से 600 सवाल है। प्रिंसिपल नंबर 1 मैं आज ही मेंशन कर दूं, अगर तुमको एग्जामिनेशन लाना है तो मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, अगर तुमको एग्जामिनेशन लाना है तो एक सिंगल टेक्निक तुमने याद रखना, जिसने अपना क्वेश्चन ईयर पूरा एक बार हाथ के नीचे से सॉल्व किया। अब तुम्हारे हाथ पास समय है नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, पर जिसने अपना क्वेश्चन ईयर पूरा एक बार हाथ के नीचे से सॉल्व किया उसके 70 मार्क्स के पेपर देखा हुआ आएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट के पास कोई नया कंटेंट नहीं है, लॉ एक ही है,
148 सेक्शन से अदर लॉ में चार ही एक्ट से, इंस्टीट्यूट कुछ नया नहीं पूछने वाला। तो अगर तुमने मेरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिया, 70 मार्क्स का पेपर देखा हुआ आएगा। अब एग्जिस्टिंग किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो, दे विल गिव यू द सेम रिव्यूज। ठीक है, पूरा क्लास एक ही चीज के ऊपर चल रहा है, पूरा क्लास। मैं तुम्हें कितना अच्छे से पढ़ाऊंगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या दूंगा, और बदले में तुम मुझे कितना आंसर राइटिंग दोगे। ये डील अगर अपना फिक्स हो जाए, तुम्हारे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी। डे वन जितना मैं बोल रहा हूं उतना करोगे, तुम्हारे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी। एक दो सवाल क्लास में सॉल्व करेंगे, मैं तुमको 4 से 5 सवाल होमवर्क दूंगा अपने क्वेश्चन एयर के जाने का, सॉल्व करने का। घर जाने के बाद में तुमको 1.5 घंटा लॉ के लिए देना पड़ेगा, इसीलिए तुम फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हो। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, डे वन पे मैं मेंशन कर दूं, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। इट इज अ म्यूचुअल वर्क, स्मार्ट वर्क, इफ यू प्रॉपरली डू इट तो अपना रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इतना तो मेरा चॉइस रहेगा कि एट द एंड ऑफ बैच तुम्हारी सिचुएशन ऐसा रहे कि कुछ हो ना हो, ग्रुप वन में एक सब्जेक्ट तुम्हारा ये रहना चाहिए लॉ, कि जिसके ऊपर तुम्हें कॉन्फिडेंस है। तुमको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं सर, ये सब्जेक्ट तो मेरा टेंशन नहीं है, बाकी अब मैं देखता। दैट इज व्हाट इज माय टारगेट। इज समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले एक बार यस सर ना। सो दूसरा तीसरा वाला रूल हो गया आपका रजिस्टर मेंटेन करने का। ठीक है, चौथा माना थ्योरी सब्जेक्ट है, सोने में दूंगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल कोई नहीं सोएगा, मैं सो बात अलग है, पर तुम में से किसी को अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई यहां पे नहीं सोएगा। ठीक है, पूरा इंटरएक्टिव सेशन होने चाहिए, कुछ भी पूछा सवाल जवाब चलता रहना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं सोएगा। हाँ, बैच का स्पीड नॉर्मली रेगुलर में मैं स्लो रखता हूं, यहां मीडियम रहेगा, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। नहीं तो 30 दिन में अपने उधर 75 लेक्चर्स होते हैं, वी आर क्रंचिंग 75 लेक्चर इनटू 25 to 30, दैट इज अ टास्क। अब वो हमारे वर्किंग के ऊपर डिपेंड है कैसे करते हैं, दैट वी विल डू, पर आपका काम ये बनता है आप कंसिस्टेंटली इंटरेक्टिव रहो। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो। सो इतनी चीजों का आपने याद रखना है, बैच के साथ में हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप आए हो बहुत सारी जगह से पढ़ के, बहुत सारे लोग मेरा डेमोज भी देख के आए होंगे। ठीक है, बट सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक, मैं शुरू करता हूं हमेशा इसी क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि ये सेशन आज का जो है इसके ऊपर तुम्हारे अगले 30 दिन चलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कोई बहुत नई चीज जबरदस्त वाली पढ़ाऊंगा वो नहीं हो सकती जब तक कि मैं ये सेशन ना लूं। और आज का सेशन अपना एक ही क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ। लॉ मतलब क्या, लॉ क्यों होता है, क्या जरूरत आन पड़ी कि सीए फाउंडेशन में 5 लॉस तुमको फेलने के बावजूद भी उनका मन नहीं भरा और इंटर में उन्होंने पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट ठोक दिया। वहां 60 मार्क का था, बात बन रही थी। कम्युनिकेशन में एक्टिव पैसिव वॉइस में 20-30 निकाल लेते थे अपन। हाँ या ना, बोलो यस सर नो। अरे यहाँ 100 मार्क्स का आ गया। अच्छा, उसमें अदर लॉ में वो जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या लिखा है वो तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया सर। मैंने देखा तो मेरे को जेंडर का डेफिनेशन दिखाई दिया उसके अंदर। बोलो हाँ या ना। डिस्टेंस टाइम का डेफिनेशन दिखाई दिया सर, ये कैसा सब्जेक्ट है? बोलो हाँ या ना। तो ये अगर समझना है तो पहला सवाल है, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ? एनीवन, जवाब तुमको देना। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बैठ जाऊंगा इधर, 30 के 60 लेक्चर हो मेरे को चलता, तुमको चलता हूंगा, तो बैठो शांति से। बोलो, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ? रूल्स। ओके, भाई बोल रहा है रूल्स, लॉ इज रूल्स। एनीवन मोर? बोलो इरशाद। राइट प्रोसेस, किसी चीज को अचीव करने का राइट प्रोसेस। ओके फाइन, एनीवन मोर? बोलो बोलो। खैर, तुम्हारे मूर्ति को तहस नहस किए बगैर कुछ नहीं बन सकता यहां पे। ठीक है, बोलो पूरा, कुछ भी बोलो। मैं तुमको लॉ पूछा, तुम लव बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को जीवन, तुम बोलो पर। हाँ यस, व्हाट इज लॉ? रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग अ सेट ऑफ एक्टिविटी। जैसे इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स को गवर्न करता है, कंपनीज एक्ट कंपनी लॉ को गवर्न करता है। राइट, ओके, आई विल रिफ्रेज माय क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा रिफ्रेज करता हूं सो दैट तुम थोड़ा बेटर समझ पाओ। व्हेन आई आस्क यू व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ, आई डोंट मीन टू आस्क यू व्हाट इज अ ट्रीटमेंट, आई डोंट मीन टू आस्क यू व्हाट इज अ सिम्टम, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज अ डिसीज। मुझे रोग बताओ जिसके वजह से लॉ आया है। जैसे मेरे भाई ने बोला रूल्स इज अ लॉ, थोड़ा सोचिएगा, इजी है। रूल ये डिसीज है या रूल्स ये ट्रीटमेंट है? भाई ने बोला सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न अ स्पेसिफिक थिंग, तो ये डिसीज है या ये ट्रीटमेंट है? तुम्हें जब बुखार होता है, अभी आया था ना कोविड, तो कोविड इज अ डिसीज,
जिसके ऊपर डॉक्टर ने रूल लगाया सुबह शाम दिन रात खाना नाश्ता ब्रेकफास्ट डोलो 650। बोलो हाँ है ना? नो, सुबह रात दिन रात वो प्रिस्क्रिप्शन जो दिया दैट इज अ लॉ, वो रूल है, क्योंकि तुम्हारे सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स टू गवर्न यूर कोरोना दैट प्रिस्क्रिप्शन बिकम्स लॉ। बोलो हाँ ना? आई एम आस्किंग यू व्हाट इज अ डिजीज, कोरोना क्या है? मत पूछो सर, 2 साल चले गए। ओके, व्हाट इज अ डिजीज, क्यों लॉ, क्यों क्या जरूरत पड़ी? अच्छे रह रहे थे जीवन में, खेती वेती कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, उधर प्राणी वाणी मिले 2-4 मार के वो भी खा लिए, जिंदगी अच्छी चल रही थी, क्यों लॉ चाहिए? यस, प्रॉब्लम फेस हुए इस वजह से लॉ बना। ओके, प्रॉब्लम्स फेस हुए, लेट्स डिग डीप। प्रॉब्लम आए तो क्या होता है? तुम लाइफ में जब प्रॉब्लम फेस करते हो तो क्या लगता है, क्या होता है लाइफ में? प्रॉब्लम एकदम ऊंच नीच चलते रहता है, मेंटल पीस डैमेज हो जाता है, समझो ब्रेकअप हो गया, समझो तुम्हारा जीवन में ऐसा होना। मैं तो ब्लेसिंग देता हूं, जीवन में एक बार ब्रेकअप होना चाहिए। आदमी ऐसा 2 महीने में सयाना बन जाता है ना एकदम, कि मतलब वो लर्निंग तुमको सीए में भी नहीं आएगा भाई, 5 साल पढ़ के। सो समझो ब्रेकअप हो गया, तो तुम्हें हुआ क्या बेसिकली? ठीक है, जिसका हुआ वो गाली मत देना मन में मेरे को, ठीक है? सो ब्रेकअप हुआ तो एक्चुअली सिचुएशन क्या है? तो तुम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तुम कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, वो प्रॉब्लम तुम्हें डैमेज कर रहा है, वो प्रॉब्लम तुम्हें क्या कर रहा है, डैमेज। लॉ का सबसे बेसिक, सबसे बुलंद, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम की चीज, लॉ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है डैमेजेस को अवॉइड करना। कि भैया कोई चीज हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है, समझो इंडिया में 140 करोड़ की जनता है, उसमें से लेट्स से 80 करोड़ यूथ है, 70-80 करोड़ यूथ है। लेट्स इमेजिन 80 करोड़ लोगों के एक साथ ब्रेकअप हो गए, 80 करोड़ लोगों के, उसमें 80 के एक साथ हो गए मतलब 40 कपल्स के ब्रेकअप हुए, डिपेंडिंग ऑन हर एक का किस किस के साथ रिलेशन है, तो 40 मिनिमम होंगे। तो अगर 80 करोड़ लोग एक साथ ब्रेकअप हुए, उसमें से बहुत सारों ने सुसाइड कर दिया, गवर्नमेंट मोदी जी को कल लगा कि बाप रे मेरा यूथ तो स्पॉइल हो रहा है, आधे ब्रेकअप वाले सुसाइड कर रहे हैं, आधे ड्रग में चले जा रहे हैं, आधे पी पा के देवदास बने बैठे हैं, दूसरे उसके घर के सामने चक्रे मार रहे हैं। बोलो हाँ है ना? तो मोदी जी को लगा दिस नीड्स टू स्टॉप, अदरवाइज यूथ विल गो हैव ए, इंडिया में काम कौन करेगा अगर यूथ ये करेगा तो? बोलो हाँ है ना? तो मोदी जी ने लॉ लाया, मित्रों आज रात 12 बजे से कोई भी आदमी ने प्यार करना बंद। इसके लिए मस्त ड्राफ्ट लगाया गया कि कोई लड़का लड़की से नहीं मिल सकता 18 साल के पहले, इंटरनेट पे जाके चैट भी नहीं कर सकता, वहां जाके ऐसा लॉ बनाया मोदी जी ने। अब ये क्यों बना? क्योंकि भाई साहब यूथ को डैमेज हो रहा था, यूथ को प्रॉब्लम हो रहा था, वो सफर कर रहे थे, उससे देश को प्रॉब्लम हो रहा था, देश को डैमेज हो रहा था, देश सफर कर रहा था, एंड दैट इज वाई देर इज लॉ कि प्यार नहीं करने का। कंसेप्ट समझ में? सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तुम किसी भी चीज में ये चीज लगाओ, दुनिया का कोई भी लॉ उठा लो, दुनिया, आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग अबाउट इंडिया, यू टेक एनी गॉडडैम लॉ ऑफ वर्ल्ड, उसका एक सिंपल बेसिक रहेगा, डैमेज से रोकना। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लॉ, अदरवाइज लॉ की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे घर वालों ने भी जब तुमको डिसिप्लिन लगाया होगा ना, तुमने कुछ तो भी काढ़ी की होगी तभी लगाया होगा। घर वालों ने तुमको जब तुम एक रात मम्मी आज पार्टी करने जाओ, तुम पार्टी करने निकल लिए, रात को 1 बजे तक वापिस ही नहीं आए, जब तुमको रात को 1 बजे नशे में दूध देखा घर वालों ने कि कहां से आया होगा ये, तब घर वालों ने बोला कि 9 बजे के पहले तुम्हारे को घर पे चाहिए। क्यों आया? क्योंकि उनको दिख रहा था कि भाई साहब डैमेज हुआ है और इससे उनको भी डैमेज हो सकता है। बोलो हाँ है ना? जोर से बोलो, देन देयर कम्स अ लॉ, दिस इज वेरी सिंपल बेसिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो एक बार, सुनो। तो ये चीज को याद रखना, रजिस्टर लाया है सबने, लिखो पहला। अच्छा, एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो, हाँ अच्छे से। चलिए यस, एसी बंद करना है, ठंड लग रहा है, ठीक है 2 मिनट देना मेरे को। ओके, सो सबसे पहला सेंटेंस लिखना, क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज लॉ? लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? कृपया एक बार कंफर्म कीजिएगा गाइस, लाइव स्ट्रीम में सबको आइडिया आ रहा है? ये सीएमए वालों के लिए भी लेक्चर एप्लीकेबल है बेटा। सवाल है व्हाट इज लॉ, ठीक है उसके अंदर लिखना। लॉ बेसिकली मींस
लॉ बेसिकली मीन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस. लॉ बेसिकली मीन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड टू द ग्रुप ऑफ पीपल. लॉ बेसिकली मीन्स द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड टू ग्रुप ऑफ पीपल so as to avoid damage to them, so as to avoid damage to them or to public in general, or to public in general is called as law. ब्रैकेट में लिखना वेरी बेसिक डेफिनेशन, वेरी बेसिक मीनिंग. मतलब ये कोई कंक्लूसिव मीनिंग नहीं है, क्योंकि आज का पूरा डिस्कशन व्हाट इज लॉ के ऊपर ही होने वाला है. सो एक मैंने से ब्रीफ देके रखा कि व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड एज अ लॉ. ठीक है, यहां रखा, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं. ओके, अब हम थोड़ा सा सिलेबस पे जाते हैं, बिकॉज हमने लॉ देखा क्या है, अब हम जानते हैं कि हमको कितने लॉस पढ़ने. सिलेबस सबको पता है, एज्यूर एंड फास्ट ट्रैक बैच, उतना तो मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूं. बोलो हाँ या ना. ओके, सो टेल मी सिलेबस में क्या क्या है. हमें सबसे पहले कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स कन्फर्म. ओके, अपने सहूलियत से नहीं है, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, और 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स किसको है? कॉर्पोरेट लॉ को, एंड बचे हुए 40 मार्क्स अदर लॉस को. अदर लॉस में कितने टॉपिक है? 4. ठीक है, डे 1. मैं सिर्फ इतना नहीं चाहता कि तुम्हें सिलेबस बताऊं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी यहीं पे क्लियर हो जाए. ठीक, सो बहुत अच्छे से ध्यान देना. ये चीज का मैं एक छोटा सा चार्ट आपको बना के देना चाहूंगा, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, आर यू रेडी गाइस? वन सेकंड. तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और मैं जो बोल रहा हूं वो चीज आपके बहुत काम में आनी चाहिए. ठीक है, मैं नॉर्मली रेगुलर बैच में पहले ही सेशन में ये चीजें नहीं बोलता हूं, बिकॉज रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स का मेंटालिटी होता है कि उनको सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. बट यू आर ऑलरेडी सेट विद सम टर्म्स, सो इस सेशन को मैं थोड़ा सा पांचवें छठवें सेशन से पहले खींच रहा हूं, सो यू शैल गेट एन अंडरस्टैंडिंग तुम्हें प्रिपेयर किस लेवल पे करना है. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस की, हाँ एक और बात, मेरी स्पेलिंग एकदम खतरनाक है. तुमने यूएस इंग्लिश सुना है? यूएस इंग्लिश सुना है ना, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश. यूके इंग्लिश सुना होगा, जैसे यूएस इंग्लिश होता है, यूके इंग्लिश होता है, वैसे डीके इंग्लिश होता है. दर्शन खरे. ठीक है, मेरे स्पेलिंग एकदम मस्त है, मतलब तुम मेरे को कोई भी चीज बोलो मैं उसका नया स्पेलिंग बना के दे सकता हूं अर्जेंटली. ठीक है, तो मेरे स्पेलिंग के ऊपर बिल्कुल मत जाना, उतने तुमको आते हैं मेरे को मालूम है. मैं मेरे सीए फाइनल के एग्जाम के वक्त एक महीना पहले सिर्फ स्पेलिंग लर्न कर रहा था, पढ़ाई मेरी हो गई थी. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, फिर भी मेरे को याद नहीं हुए. ठीक है, सो मैं कुछ भी लिखूं तो मान लेने का है कि ये सही, एकदम 100% सही है, तुमको जो छेपता उसके हिसाब से लिखने का. ठीक है, ये क्यों बोला? क्योंकि मेरे को सिलेबस का स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, इसलिए आई गेस यही होना चाहिए. सो अगर हम बात करें हमारे सिलेबस की, तो हमारा सिलेबस दैट इज ऑफ 100 मार्क्स. ये बेसिकली हम कितने पोर्शंस में डिवाइड करते हैं बच्चों? दो. लिखना नहीं अभी, मेरा पूरा लिखना होने के बाद मैं आपको समय दूंगा. ठीक है, पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लो वेयर वी आर गोइंग. ठीक है, क्योंकि मैं जब चार्ट वगैरह नॉर्मली कॉपी करता हूं तो इट इज क्वाइट दैट कि बाद में मैं उसमें से कुछ चीजें मिटाता हूं, कुछ जमा करता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. तो जस्ट वेट फॉर इट. सो सिलेबस 100 मार्क्स का है, इसमें से पहला पोर्शन है 60 मार्क्स का, एंड सेकंड पोर्शन है दैट इज 40 मार्क्स का. 60 मार्क्स का जो आपका पोर्शन है उसको कॉर्पोरेट लॉस कहा जाता है. कौन सा लॉस बोलो एक बार? जो है कॉर्पोरेट लॉस. नाउ प्लीज टू अंडरस्टैंड, कॉर्पोरेट लॉ ये थोड़ा वाइडर टर्म है. कॉर्पोरेट लॉ जस्ट डज नॉट मीन कंपनी एक्ट. कॉर्पोरेट लॉ का मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, कंपनीज के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, वो सब इसमें कवर्ड है. जैसे इसका एक पोर्शन तो कंपनीज एक्ट है ही, जो आप पढ़ते हो. कंपनीज को मैं नॉर्मली सीईओ करके लिखता हूं शॉर्ट में. सो कंपनीज एक्ट है ही जो आप पढ़ते हो 2013 का. पर इसका एक और पोर्शन है कॉर्पोरेट लॉ का, जैसे आपने सुना होगा सेबी, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992.
दिस इज ऑल्सो कॉर्पोरेट लॉ बिकॉज सेबी लिस्टेड कंपनीज को गवर्न करता है, जो स्टॉक मार्केट के ऊपर कंपनी लिस्ट होती है ना, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 5,000 कंपनीज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 1,500 से ज्यादा कंपनीज है, तो उनके लिए जो लॉ लगता है दैट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट लॉ, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड ही है. फिर अगर मैं बात करूं तो यू कैन से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज भी कंपनीज ही है, 1949 का, दैट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट लॉ. कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि वो भी तो कंपनीज को गवर्न कर रहा है ना. देन यू कैन ऑल्सो कॉल इट इंश्योरेंस एक्ट, क्योंकि वो भी इंश्योरेंस कंपनीज को गवर्न करता है, द इंश्योरेंस एक्ट दैट इज 1938 वाला. और ऐसे और भी है, बट हमारा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैं इवन आपको बोलूं तो आपने जो फाउंडेशन में पढ़ा एलएलपी एक्ट 2008 वाला, एलएलपी एक्ट दैट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट लॉ बिकॉज एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तुमने अगर पढ़ा होगा तो इट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो दैट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट लॉ. सो कॉर्पोरेट लॉ तुम्हारा सिलेबस का जो नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तो कॉर्पोरेट लॉ का मतलब इतने सारे लॉज होते हैं. अब इतने सारे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में इसमें से सिर्फ एक आता है, वो कौन सा है बोले एक बार, उसे कंपनीज एक्ट. नाउ एनी वन ऑफ यू वेदर कैन टेल मी कि कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं, क्योंकि एंड चैप्टर्स कितने हैं, क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या पूरा कंपनीज एक्ट हमें एप्लीकेबल है या कुछ पोर्शन हमें एप्लीकेबल है, और कितना एप्लीकेबल है, छोड़ा तो कितना छोड़ दिया, क्योंकि कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा. तुम बनने जा रहे हो सीए, तुम्हें अगर बेसिक कंपनीज का ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तुम कहां से जानोगे कि क्या करना है. सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर रफली कंपनीज एक्ट में. चलो बहुत बढ़िया, दैट इज अ वेरी एक्यूरेट आंसर. आपको टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो है 470. ठीक है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर दे डिवाइडेड इनटू, देयर आर 29 चैप्टर्स. कितने चैप्टर्स है बोले एक बार, 29. कुछ चैप्टर पैदा होने के पहले ही मर गए, ठीक है, क्योंकि वो इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाया डिपार्टमेंट, जैसे सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज का चैप्टर वगैरह, तो वो भी मिला के 29 है. ठीक है, एक दो प्लस माइनस होंगे, वो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट के हिसाब से होते हैं. अब इसमें से सीए इंटर पे तुम्हें कितने एप्लीकेबल है सेक्शंस, तो दैट इज अ 148. अब 148 इज अ डिजिट नंबर, इसमें से भी 10-12 सेक्शंस डिलीट हुए हैं और 2-4 ऐड हुए हैं, तो विल सी कौन से 10-12 डिलीट हुए. हर चैप्टर में आपके नोट्स में स्टार्टिंग में मैंने लिख के रखा है कि ये चैप्टर में से 5 सेक्शन डिलीटेड है, सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, बट रफली डिजिट नंबर वाइज 148. ठीक है, एंड उसमें से टोटल चैप्टर्स जो आपको एप्लीकेबल है वो कितना है बोले एक बार, जो से 10 चैप्टर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब स्टिल देयर इज अ पोर्शन ऑफ नियर टू 320 सेक्शंस अदर देन दिस 148 जो आपको पढ़ाया जा सकता है. ठीक है, अब कब तो पढ़ाया जा सकता था, सीए फाइनल पे, अब सीए फाइनल में ही लॉ नहीं है, तो माइट भी तुम्हारी ही एक ऐसी बैच रहेगी, तुम्हारी और नवंबर 23 वाली, तुम ही एक ऐसे पर्सन रहोगे जिन्होंने कंपनीज एक्ट के सिर्फ 148 सेक्शंस पढ़े होंगे, तो तुमको बचे हुए 320 सेक्शंस माइट भी तुम पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि तुमने अगर मई 23 में एग्जाम क्रैक कर लिया, जब तुम फाइनल पे जाओगे तो फाइनल में कंपनीज एक्ट है ही नहीं, तो तुम तो 320 सेक्शन पढ़ ही नहीं रहे हो ना बचे हुए, फिर तो तुम्हारा वो तो लॉस हो गया. सर लॉस छोड़ो, नहीं पढ़ना है, मजा आ गया सर, ये खुशखबरी अभी दे दी तुमने. तो बच्चा ऐसा नहीं है, कंपनीज एक्ट तुम्हारा कोर एरिया है. ठीक है, यू नीड कब, ऐसे नहीं पर कैसे ना कैसे तो पढ़ना ही पड़ेगा, आर्टिकलशिप में पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकलशिप के बाद पढ़ना पड़ेगा, जॉब करते वक्त पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसको पढ़े वगैरह ऑप्शन नहीं है जीवन में. ठीक है, अभी वो ये सोच रहे हैं कि भैया पूरा कंपनीज एक्ट पूरे 470 सेक्शन उठा के सीए इंटर पे डाल दे, क्योंकि फाइनल में उनको नहीं रखना है. इसका मतलब क्या है, ये एग्जाम में पास होने का बाकी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो 470 झेलने पड़ेंगे. आइडिया क्लियर है, डोंट वरी, अपन अच्छे से करेंगे इसको. ठीक है, सो 10 चैप्टर्स हमें एप्लीकेबल है, बट दिस यू शुड कीप इन माइंड एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो कि भाई साहब ये बच्चे जो 19 चैप्टर है वो कहीं ना कहीं पल्ले पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, ओके, अब ये इन इस पूरे सिचुएशन के लिए आपको 60 मार्क्स है. कितने मार्क्स है बोले एक बार, 60. ठीक है, बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपका नियरली ऐसा होना चाहिए ये 60 मार्क्स का, 10 में से आप गिन चुन के कुछ 6 चैप्टर्स सिलेक्ट कर लो. ठीक है, इन 10 में से भी आप, मैं आपको बोलूंगा 6 चैप्टर्स सिलेक्ट कर लो जो बड़े चैप्टर्स है, जो आपको 40 मार्क्स के लिए आते ही है. 6 चैप्टर्स 40 मार्क्स के लिए आते ही है, इन चैप्टर्स में आपका मास्टरी होना चाहिए. मास्टरी का मतलब इनका हर सवाल तुमने पढ़ा है, हर सवाल लिखा भी है, तो इसे मास्टरी कहते हैं. लैंग्वेज मास्टरी, लैंग्वेज मास्टरी किसको कहते हैं, वैसा कब कहते हैं, तुमको इंग्लिश पूरा अच्छे से आता है जब तुम उसको बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो,
उसे मास्टरी कहते हैं। तो हम इसको मास्टरी कह रहे हैं, लॉ का मास्टरी। अगर आपको छह सब्जेक्ट का, छह चैप्टर का मास्टरी चाहिए तो इसमें आपको 40 मार्क, ये 40 में से आपको 35 मिलने ही चाहिए। अगर आपका मास्टरी है तो ये 40 में से 35 आपके होने चाहिए, ठीक है। ये प्रिपरेशन का सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये 40 में से 35 चाहिए ही चाहिए। बचे कितने, 20 मार्क। चलो 20 में से हमको 7-8 भी मिले तो भी हम पास है। मतलब सिर्फ कंपनी लॉ के बेसिस पे भी पास हुआ जा सकता है, इफ यू डू इट वेरी अप्रोप्रिएटली, प्लान करके। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस और नो। सो इसमें से आपने 7-8 मार्क्स भी ला लिए तो आपका काम हो गया ना, 35+7-8 पासिंग निकल गया। पर इस क्लास में तुम पासिंग के लिए नहीं हो, ठीक है, बचे हुए 40 और है ना, राइट। ये 40 में तुमको 4 चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स में 3 लॉज, ठीक है। तुम्हारा वो बचपन वाला सबसे फेवरेट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, एजेंसी गारंटी, बेलमेंट प्लेज, बोलो हाँ है ना, इंडेमनिटी श्योरिटी वगैरह, ये छोड़ने का ही नहीं। और लकीली इसका वेटेज 10 मार्क के आसपास है। इसमें अगर तुमने मिट्टी खाई तो उसे मिट्टी खाना नहीं कहते, उसे किलो किलो से मिट्टी खाना कहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये तुम बचपन से पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तुम्हें इसका बेसिक पता है। चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे पर तुमको पता है ये एक्ट कैसे गवर्न होता है। सो दिस शुड बी योर फोर्टे, इसमें कोई दो मत एडजस्ट नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा वाला जिसका तुमने अकाउंटिंग किया है बचपन में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एक्चुअली पर्सनली मुझे पूछो तो ये लॉ आउटडेटेड है, क्योंकि तुमको पढ़ाया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट। तुमने तुम्हारी जिंदगी में देखा कभी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट? तुम्हारे छोड़ो, मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। समझ आ रहा है तुम्हें? चेक देखा होगा, चलो ठीक है, उतने प्रोविजन प्रैक्टिकल है वो रखनी चाहिए, तो अभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट पे ले जा रही है, तो प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल लॉ है, ठीक है। पर इसका वेटेज बहुत तगड़ा है, प्रॉब्लम वो है 15 मार्क्स, तो इसको भी बहुत तगड़े लेवल से करना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर सवाल आता ही है, चेक, होल्डर इन ड्यू कोर्स, डिसऑनर, इसके खास खास बोल दूंगा, वही उसी में से आएगा, चलो वो ये 15 में से अपन इसमें ज्यादा टारगेट नहीं करेंगे, अपन 10 मार्क इधर कॉन्ट्रैक्ट के मेरे को पूरे 10 चाहिए, याद रखना, नहीं मिले तुम्हारा पेपर मैं लेके चल जाऊंगा, याद रखना जीवन में, ठीक है। ये इस पर कोई दो मत नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? वो साउथ इंडियन मूवी में होता है ना, एक आधा छोटा मोटा सा विलन जिसको हीरो एक कान के नीचे बजा के भगा देता है, इट इज लाइक दैट। इससे झगड़ने का नहीं है, इसको कान के नीचे बजाने का, गायब, ठीक है। थर्ड वाला, द जनरल क्लॉजेस एक्ट, फर्स्ट डे पे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ये क्यों है अपनी सिलेबस में, ठीक है, इसके ऊपर मेहनत अपन नहीं करेंगे, ठीक है। जनरल क्लॉजेस तुम कितना भी पढ़ो, मेल फीमेल के डेफिनेशंस, डिस्टेंस के डेफिनेशन, टाइम के डेफिनेशन, दिस इज मीन्स रूथलेस। इसमें 2-3 ही डेफिनेशन काम की, एक सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह की, ठीक है। तो इसके ऊपर ना समय वेस्ट करो ना टाइम वेस्ट करो, मैं तुमको, तुम फास्ट ट्रैक में, इसलिए मैं रेगुलर बैच में ये नहीं बोलता, फास्ट ट्रैक में इसलिए इसको तुम ऑप्शन में छोड़ देना। और जिसको पढ़ना भी है, मैं फर्स्ट डे बोल रहा हूँ, इसके 2 लेक्चर में रिकॉर्ड किए, मैं तुमको दे देंगे, खुद के सहूलियत से पढ़ लेना, समय वेस्ट करने का नहीं, क्योंकि तुम पढ़ोगे तो भी तुम्हारी गारंटी नहीं, तुम ऐसा नहीं तुमको समझेगा नहीं, बट समझना और लिखना इसमें बहुत फर्क है। तुमको किसी ने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन बताओ, बोलना आसान है मोदी जी, बोलो हाँ है ना, तुमको बोला लिखो, फिर पप्पू बन जाते हो तुम, बोलो हाँ है ना, यस और नो, लिख पाओगे इसी चीज का डेफिनेशन? इट्स डिफिकल्ट, ये लॉ ही थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। तो सी, जो खुद कीचड़ में हो ना, वो चिल्ला के गाना नहीं गा सकता, टू बी फ्रैंक हम सब है, इंक्लूडिंग यू मी भी, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी लिया है तुम्हारा, तो हम सब कीचड़ में खड़े रह के गाना नहीं गा सकते, ठीक है। राइट नाउ सर्वाइवल इज द बेस्ट ऑप्शन, तो ये अपने सर्वाइवल में नहीं आता, ये लग्जरी में आता है। मेल फीमेल पढ़ना इज ए लग्जरी,
समझ में आ रहा है सबको? तो इसको अपन ऑप्शन में छोड़ेंगे, अपन इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे। फोर्थ, द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये लॉ तुमने पढ़ा होगा, पर इसमें तुमको कुछ सेंटेंसेस सुनाई दिए होंगे, टर्म सुनाई दिए होंगे, क्वांटम पुरोनिया एक्सपोजिशियो, नॉसिटी उरे असोसिस, एजुस डेम जेनेरेस, क्वांटम वो एक्सप्रेसियो यूनियस टर्स्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस, जो तुमने तुम्हें मैं सीए कर रहा हूं ना, तुमने लॉ पढ़ा होगा और तुमको कुछ याद नहीं होगा। ऐसा नहीं तुमको थोड़ा बहुत समझा होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझा होगा, कुछ याद नहीं होगा। मैं इसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगा, मैं इसके कुछ पॉइंट्स लिखवा के दूंगा, उतने ही पढ़ने हैं, उस पे पूरे मार्क्स मिलेंगे, गेम ओवर। मैं जितने लिखवा के दूंगा उतने, दैट्स ऑल। ना तुमको समझने में दिक्कत होगी, ना तुमको पढ़ने में दिक्कत होगी, सिर्फ मैं जितने बोलूंगा उतने करने के, आंखें बंद करने का, दिमाग नहीं लगाने का, और जाके वो एग्जाम में लिखने का। तुमने उत्तर क्या, मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी। कंसेप्ट समझ में आया? टेस्टेड वेरीफाइड ओके फॉर्मूला है, क्योंकि तुम इसको मॉड्यूल से पढ़ने जाओगे तो दूसरे दिन मॉड्यूल उठा के फेंक दोगे, तीसरे दिन मेरे को भी उठा के फेंक दोगे लेक्चर के साथ, क्योंकि क्या पढ़ा रहा करके। तो मैंने जितना बोला उतना, समझ में आया पक्का? तो ये अपन लॉ पूरा करेंगे अच्छे से। तुम्हारा लग अच्छा रहा, 8 से 12 मार्क का नियरली इस लॉ का वेटेज है, और इसमें पूरे आ सकते। तुम सरप्राइजिंगली, मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, दिस इज द ओनली वन लॉ आउट ऑफ ऑल फोर जिसके ऊपर 100 out of 100 मार्क्स मिल सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये लॉ नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज अ टॉपिक, ठीक है, जिसके पॉइंट डिफाइंड है, ठीक है। बचे हुए 3 तो लॉज है, जिसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है, इंटरप्रिटेशन आ सकती है, इसमें कुछ टॉपिक का नाम ही इंटरप्रिटेशन है, समझ में आया? तो देयर इज नो वेरिएबिलिटी। तो तुम जितना पढ़ा उतना लिख लिया, बात खत्म हो गई। जब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, इफ यू डू लाइक दिस, अगर तुमने यहां पे 40 मार्क निकाले कंपनीज एक्ट में, जो हमको करने ही है, तो यहां 40 में से तुमको सिर्फ 20 चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। ये एक स्ट्रेटेजी है कि कंपनीज एक्ट के 6 चैप्टर्स, अदर लॉ के 3 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स में गेम ओवर। फटे की बात है, इससे अच्छा डील कौन देगा तुमको, 7 चैप्टर में गेम ओवर, अच्छी बात है। एक और स्ट्रेटेजी है, अदर लॉ पूरा घोट डालो, इंक्लूडिंग जनरल क्लॉजेस एक्ट, जो मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि तुम जनरल क्लॉजेस कर लो कभी कोई फायदा नहीं है, सच उतने ही मार्क मिलेंगे, गारंटी नहीं। अदर लॉ पूरा 40 मार्क का घोट डालो, उसमें से 35 आने चाहिए। कंपनीज एक्ट तुमको बैठे बैठे 15 तो दे ही देगा, 60 में से 15 नहीं आएंगे, एग्रीगेट तो निकल ही गया। ये दूसरा स्ट्रेटेजी है, बट दूसरा स्ट्रेटेजी रिस्की है। स्ट्रेटेजी 1, कंपनीज एक्ट के 6 चैप्टर, अदर लॉ के 3 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स में गेम ओवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी क्लियरली? ये 7 चैप्टर में मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। मैं डे 1 तुम्हें बोल रहा हूं, ये 7 तुमने कर लिए, एग्जामिनेशन पहुंचने के बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत अच्छे। मैं पासिंग की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। शूट फॉर द मून, लैंड अप इन द स्टार्स, सिंपल एज दैट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस सर। नो, सो दिस यू शुड नो, ये लिखना चाहोगे लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। दिस यू शुड नो कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, हाथ के नीचे से एक बार जाएगा तो थोड़ा फोकस भी बनेगा। गो फॉर इट। जिनको लाइव स्ट्रीम में दिक्कत है वो कृपया सवाल पूछ सकते हैं, प्लीज मुझे बताइए, मैं आपके सवाल सॉल्व कर दूंगा। लाइव स्ट्रीम में हाय, अच्छा एक छोटा सा नोटिस है, मंडे है आज, मंडे के लेक्चर्स आपके थोड़े से शॉर्ट रहेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। आज का लेक्चर जैसे आपका 5:30 तक ही रहेगा, सिर्फ मंडे का। रीजन ये है कि मंडे को वी हैव सम प्रोसेस एट अवर रूम, पूजा वगैरह रहता है 6 बजे, सो आई हैव टू रश ऑन द मंडेज ओनली, ठीक है। बाकी टाइम आपका उल्टा एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा, ठीक है। क्लास कौन से क्लास में चल रही है? प्रेस्टीज पे घूम रहे हो बेटा, 3rd फ्लोर पे। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ।
ओके सर, मेरी थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत है। सेम ईयर बेटा, सेम पिंच, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। आप सिर्फ आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कीजिए, इट विल बी द सेम। ड्यूरेशन ऑफ बैच इज 25 to 30 लेक्चर्स, 2 आवर्स ईच। लेट्स एंड टिल जनवरी बेटा। शुभम शुभम मोरे, जनवरी एंड तक नोटिफिकेशन आएगा तो उस वक्त हम आपको गाइड कर देंगे। लिख लिया सबने? चल डन। हो गया सबका? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ू मैं पक्का? एवरीवन डन? ओके, नाउ प्लीज फोकस, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब ये तो मैंने आपको मेंशन कर दिया, आपका बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस प्रकार हमको आगे बढ़ना है एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ व्हाट इज लॉ हमारा हो गया, हमारा सिलेबस क्या है ये हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कि बेसिकली हमको लॉ का कंटेंट आज क्या क्या देखना है। ठीक है, नाउ आई विल जंप ऑन वेरी सिंपल थिंग। बाकी सब तो चीजें ठीक है, बट आज मैं आपको पूछना चाहूंगा एक बहुत काम की चीज जो आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि इंडिया में लॉ किस प्रकार पास किया जाता है। डू यू नो इंडिया में लॉ कैसे पास होता है? एनीवन? सर पार्लियामेंट। यस गुड। और ड्राफ्ट इज मेड देन इट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ लॉज आर देयर इन इंडिया? कभी ये एंटरटेन किया है सवाल, कितने कैटेगरीज के लॉ इंडिया में होते हैं? अच्छा एक मस्त सवाल पूछता हूं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं अपन? सीए कर रहे हैं, राइट? जो लोग सीए में भी कर रहे होंगे कुछ, बट फिलहाल सीए इसलिए क्योंकि इट्स रिलेवेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट, ईयर है 1949। एवरीवन नोज दिस, 1949 ईयर है। हमें इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947, 15 अगस्त। तो हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया, 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लिखा, फिर हमने इंप्लीमेंट किया। वो कौन से साल आया कॉन्स्टिट्यूशन? 1950। कब आए सब जन बोलो? 1950। इसलिए 26 जनवरी अपन मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लीगली हम इंडिया कॉल किए गए, बिकॉज बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे कॉल किए जाएंगे ना। सो लीगली हम इंडिया बने 26 जनवरी को, लीगली लॉ वाइज। फाइन, इंडिपेंडेंस 47 में मिल गया था। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो पार्लियामेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो पार्लियामेंट होगा ना, बोलो हाँ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन 50 में आया तो पार्लियामेंट 50 के बाद आया होगा, और लॉ पार्लियामेंट पास करता है, तो सी एक्ट किसने पास किया? 1949 में। हाय सर, कौन सा कोर्स कर रहे हैं हम, बहुत देर होगी क्या जीवन में? बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन 50 में आया तो पार्लियामेंट उसके बाद आया, पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, तो 49 में लॉ कैसे आया? अच्छा सिर्फ सीए एक्ट नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर भी 1949 है, वो किसने बनाया? सर अंग्रेज बना के गए होंगे, वो 47 में चले गए, उसी को इंडिपेंडेंस कहते हैं। सो हु मेड द सीए एक्ट? सर ये तो हमारे क्या आइडेंटिटी के ऊपर सवाल हो गया है। सर इसलिए प्रोसेस बहुत जरूरी है, कितने कैटेगरीज के लॉ है, कहां से निकलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, एवरीथिंग यू शुड नो। सीए बनने जा रहे हो, कल जाके किसी ने पूछ लिया क्या बोलोगे, तेरा लॉ कब बना बता भाई, राइट? सो दैट्स व्हाई बेसिक। ठीक है, नाउ वी विल गो थ्रू वेरी बेसिक्स, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नहीं पढ़ी इसके पहले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बट ये चीज अपने को आना ही चाहिए। सो मैंने कुछ चार्ट्स प्री ड्रॉ करके रखे हैं, सो एज टू सेव द टाइम, मैं उन चार्ट्स के थ्रू जाना चाहूंगा। आ जाइए, ओके।
इस कंपनी लो, मुझे एक मिनट देना सिर्फ जुड़ने के लिए। चलो फाइन, यहाँ तो नहीं है बट ठीक है, वी विल वी कैन ऑल्सो ड्रॉ इट। ड्रॉ करके रखा था बट चलो फाइन, लेट्स ड्रॉ इट इटसेल्फ। ठीक है, टेंशन ही नहीं रहेगा। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इंडिया में लॉ कैसे बनते हैं, उसके लिए कितने कैटेगरीज के लॉ है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, दिस इज टोटली कंटेंट ओरिएंटेड, बहुत काम की चीजें पता चलेगी। अगर आपको यह समझना है कि व्हाट इज अ प्रोसेस टू पास द लॉ, आपको यह समझ में आना चाहिए व्हाट आर कैटेगरीज ऑफ लॉ। और अगर आपको यह समझना है कि व्हाट आर कैटेगरीज ऑफ लॉ, यू शुड अंडरस्टैंड हु हैव अ पावर टू पास द लॉ, क्योंकि जो पास करेगा वही तो कैटेगरीज डिवाइड करेगा। So who has a power to pass the law? ये तीनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हैं, यू कैन नॉट सेपरेट देम। हाँ, यू कैन नॉट सेपरेट देम, तुमको तीनों सवाल एक साथ ही एंटरटेन करने पड़ेंगे, प्रोसेस टू पास द लॉ, कैटेगरीज ऑफ लॉ एंड हु हैव पावर टू पास द लॉ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर इन तीनों का आंसर आपको चाहिए तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, इंडिया में इंडिया का जो अपेक्स लॉ माना जाता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constitution of India have 444 articles. लिखना, hold कीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा। How many articles are there? सब जन बोलो, कितने articles है? 444. Now what is article? Article means sections. जैसे हमारे law में sections होते हैं, जैसे Companies Act के sections को section भी नहीं कहा जाता, उनको clauses कहा जाता है। तो these are just nomenclature. Article, sections, clauses. These are just nomenclature for numberings. ठीक है? कि 444 numbers है, उसको article कह लेते हैं। So Constitution of India have 444 articles, and to tell you, Constitution of India is the biggest constitution among the all the constitutions of every country. तुम पूरे 195 countries United Nations के हिसाब से उठा, उसमें सबसे बड़ा constitution किसी देश का है तो वो इंडिया का है, because of democracy and because of diversification. इतनी ज्यादा डायवर्सिटी है कि हमको लॉज उतने लेवल पे बड़े क्रिएट करने, जितनी ज्यादा डायवर्सिटी उतने ज्यादा रूल्स, जितने ज्यादा रूल्स उतने ज्यादा आर्टिकल्स। सो 444 आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं, उसमें से ये हमारा अपेक्स लॉ है, दिस इज अवर बेस लॉ, जो चीजें जनरेट, क्योंकि इसने इंडिया को इंडिया बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को लीगली इंडिया बनाया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं तो इंडिया का वजूद नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 444 आर्टिकल्स में से दो आर्टिकल्स एम्पावर करते हैं लॉ बनाना। So, article number 245 says that the parliament of India in case of central law and the state legislature of India, the क्या बोले एक बार जो से state legislature of India in case of state law have the power to pass a law इन रिस्पेक्टिव एरियाज। जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये सेंट्रल लॉज बनाएगा, इनकम टैक्स एक्ट, समझ में आ रहा है, इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल लॉ, कंपनीज एक्ट इज अ सेंट्रल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे तो अंग्रेजों ने बनाया बट अगर बनाया जाता तो सेंट्रल लॉ, जनरल क्लॉज सेंट्रल लॉ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल लॉ, ठीक है, फेमा सेंट्रल लॉ, जो पूरे देश को एक जैसा लग रहा है तो पार्लियामेंट बनाएगा। और अगर कोई स्टेट लॉ है, स्टेट लॉ जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, बलू जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम, बोलो हाँ या ना। सो स्टेट लॉ है, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, उस वजह से पूरे इंडिया में बैन है क्या? नहीं। गुजरात में लिकर बैन है, पूरे इंडिया में बैन है क्या? नहीं। बिहार में भी लिकर बैन है, यकीन नहीं होता पर है, क्या उसके वजह से पूरे इंडिया में बैन है क्या? नहीं। तो स्टेट लॉ हुआ, वो कौन सा लॉ हुआ? स्टेट। सो सेंट्रल लॉ बनाने का पावर किसके पास है? बोलो सबजन, किसके पास है? पार्लियामेंट। सबजन बोलो, किसके पास है? पार्लियामेंट। और स्टेट लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर। ये इनको पावर दे दिया।
फिर उन्होंने पूछा, पार्लियामेंट को बोला कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई तथास्तु, आज से सब लॉज तू बनाएगा, आज से सब लॉ तू बनाएगा। इधर पार्लियामेंट में तो सब गधे घोड़े बैठे हैं ना, आधी पे लोग चौथी फेल, आधी लोग पांचवी फेल, कोई लोग बहुत एजुकेटेड उनको तो बात ही नहीं करने देते। बोलो हाँ या ना, इनको झगड़े वगड़े हुए माइक वाइक फेंक के मारते, चेयर वेयर फेंक के मारते हैं, बोलो कई कई सारी चीजें होती है पार्लियामेंट। बोलो हाँ या ना, तो इनको ये गधों गोड़ को तथास्तु आज से तुम लॉ बनाओगे। ये बोले कौन सा लॉ, काय का लॉ, बताओ तो सही लॉ काय पे बनाना है, हम तो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, अभी तो हमारा चौथी भी ठीक से नहीं निकला, तुम हमें लॉ बनाने के लिए बोल रहे हो, बताओ तो सही कौन सा लॉ। तो फिर पार्लियामेंट बोले हे भगवान किसके हाथ में देश दे दिया, तो बोले काम करते हैं। तो पार्लियामेंट ने उसके बाद में लगेज एक नया आर्टिकल लिखा 246, और उसमें बोला कि भाई साहब व्हाट आर द कैटेगोरीज, कैटेगोरीज ऑफ लॉ विच कैन बी पास्ड। तो पार्लियामेंट बोला तथास्तु, पार्लियामेंट को बोला तथास्तु, पार्लियामेंट आ गया, हमको मालूम ही नहीं काल के ऊपर लॉ बनाना है, हम हमारे घर में रूल नहीं बना सकते, बीवी मार रही है तब से, तुम बोल रहे हो देश के लिए बनाओ, तो कैसे बना, तुम बताओ कौन सी चीज के ऊपर लॉ बनाए। तो फिर 246 ने बोला कैटेगरीज ऑफ लॉ कि भैया हम बताएंगे कौन से कैटेगरीज। तो फिर कैटेगरीज ऑफ लॉ 246 में बोले हैं, और 246 में कैटेगरीज ऑफ लॉ ने क्या बोला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में बताएंगे, कौन से शेड्यूल में, जोर से बोलो शेड्यूल कौन सा, 7 में बताएंगे कि ये कैटेगरीज कैसे डिफाइंड है। तो पार्लियामेंट बोला शेड्यूल 7 में काय को, क्या जरूरत है शेड्यूल 7 में, यही बोल दो। अब ये बोले रुक जा, कितने सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने हैं, वो 100-200 के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन में 246 में सब्जेक्ट लिखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहां लिखेंगे, वो तो जगह चली जाएगी ना पूरी। तो बोले हम एक शेड्यूल, शेड्यूल क्यों बनाते हैं, जब ओरिजिनल लॉ में आप कोई चीज लिखो उससे सिर्फ स्पेस कंज्यूम होगा, बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं है, प्रोविजन नहीं है, लॉ नहीं है, वो सिर्फ लिस्ट है कि काय के ऊपर लॉ बना सकते हैं। अब लिस्ट का तुम लॉ में डालोगे नहीं, तो उसके लिए शेड्यूल, ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट जो तुम ड्रॉ करते हो, वो क्या उन्होंने कंपनीज एक्ट के अंदर ड्रॉ करके दिया है क्या, नहीं, वो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में दिया है, 7 शेड्यूल्स में। तो शेड्यूल में क्या होता है, लिस्ट होती है, फॉर्मेट्स होते हैं, एडिशनल प्रोविजन होते हैं जिनको मेन लॉ में नहीं लिखा जा सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं। तो शेड्यूल कौन सा है, सब्जन बोले एक बार 7, जोर से बोलो कौन सा है, 7। और शेड्यूल 7 में भाई साहब इन्होंने कैटेगरीज ऑफ लॉ बोले 3, कैटेगरीज ऑफ लॉ बोले 3। सर आपने अभी बोला पार्लियामेंट, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर, अब कैटेगरीज तुम 2 से 3 बढ़ गए 2 मिनट के अंदर। हाँ भाई, पहला इन्होंने कैटेगरी बोला, बोले सेंट्रल लॉ, दूसरा कैटेगरी भाई साहब बोला स्टेट लॉ, और बोले तीसरा एक मुबारक हो 2 पे 1 फ्री कॉन्करेंट लॉ। कौन सा लॉ, कॉन्करेंट। सर इतनी जल्दी फ्री आ गए, तो सुनो अच्छे से, एग्जाम्पल सेंट्रल लॉ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेंट्रल लॉ कंपनीज एक्ट 2013, काफी एग्जाम्पल और दू, काफी सेंट्रल लॉ समझ में आ रहे, पूरे इंडिया को लगेगा, और एग्जाम्पल दू 2-3, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, सेंट्रल लॉ 1999, तुम्हारा निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल लॉ, सब सेंट्रल लॉ मालूम है सबको। सर स्टेट लॉ गुटखा, बोलो जुबा केसरी, महाराष्ट्र में बैन है, बोलो हाँ है ना, दाने दाने में केसर का दम, इतना केसर है कि कभी रिलेटिव घर पे आए तो खीरी में विमल, समझ में आ रहा है सबको, रिलेटिव मतलब कौन पता है ना, वही जो सवाल पूछते कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है, बोलो हाँ है ना, ऐसा ना। सो महाराष्ट्र स्टेट में क्या बैन है, बोलो एक बार गुटखा, बोलो जुबा केसरी, बोलो, अरे बोलो जुबा के, कैसे लोग पब्लिक हो जीवन में, तुम खाना नहीं एक्शन, बोलो जुबा केसरी, बोलो, ये हुई बात। तो गुटखा महाराष्ट्र में क्या बंद है, बोलो एक बार और से, गुटखा। गुजरात में क्या बंद है, लिकर इज बैन इन गुजरात, दिस इज स्टेट लॉ। इसके एडिशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो लॉ होते हैं, आप फ्लैट स्कीम में रह रहे होंगे तो आपके फ्लैट स्कीम का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम होगा, समझ में आ रहा है, वो स्पेसिफिक स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो, सर नो, दीज आर सिंगल स्टेट। सर ये कॉन्करेंट क्या है, पढ़ रहे हो तुम इसको, पढ़ा भी होगा तुमने, पता नहीं होगा, जी एस टी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017,
इज अ कॉन्करेंट लॉ. नहीं 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 सर नहीं, सेंट्रल समझ में आया देश को लगता है, स्टेट समझ में आया राज्य को लगता है, ये क्या है नया. होटल खाना खाए हो, होटल का बिल आया है 2.5% CGST, 2.5% SGST, मतलब सेंट्रल भी रूल बना रहा है स्टेट भी, तो कॉन्करेंट में दोनों मार रहे, पहले अलग अलग मार रहे, अब दोनों मिलके मार. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दैट इज अ कॉन्सोलेबल एक बार कॉन्करेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का समझ में आ रहा है कैटेगरीज? अब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ होना चाहिए. अरे बोलो ना, हाँ या ना, तो देख ही लो. बैच फास्ट ट्रैक हुआ तो क्या हुआ, कंटेंट तो नॉर्मल रहेगा ना. सो आई विल शो यू द लिस्ट ऑफ द लॉज जो हम नॉर्मली कवर करते हैं. ठीक है, इसमें कहाँ गया, व्हाट इज लॉ बेसिक्स. हाँ, सी दिस, दिस इज एक्चुअल शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, शेड्यूल 7 टू काय को बोले एक बार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसके अंदर आप सबसे पहला लिस्ट देख रहे हो, कौन सा लिस्ट है, यूनियन लिस्ट. इसको सेंट्रल लॉ कहा जाता है. यूनियन लिस्ट मतलब कौन सा लिस्ट, सेंट्रल लॉ. और आप देखना इसके अंदर सब्जेक्ट्स कितने हैं, मतलब टॉपिक्स कितने हैं जिसके ऊपर आप लॉ बना सकते हो. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या जरूरी होना चाहिए लॉ बनाते वक्त, डैमेज नहीं होना चाहिए, मतलब सेफ्टी, सेफ्टी इज प्राइम. तो एडवांटेज मिले ना मिले, बेनिफिट मिले ना मिले, बात की बात, बट सेफ्टी पहले होना चाहिए. तो तुम स्टार्टिंग के लॉज के नाम पढ़ के देखो, डिफेंस, नेवल, डिप्लॉयमेंट, डिलिमिनेशन, नेवल, आर्म्ड, एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्रीज, सेंट्रल ब्यूरो, डिप्लोमेट, काउंसिलर, यूनाइटेड नेशन. देखो यहां तक के टॉपिक नंबर 12-13 तक के सिर्फ सेफ्टी वाले लॉस चल रहे हैं, सब डिफेंस वाले. अब वो बात करेंगे बेनिफिट की, मतलब आपको क्या क्या वो दे सकता है, गवर्नमेंट आपको क्या क्या दे सकता है. तो देखो, फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन से 16 से सिटीजनशिप आपको मिलता है, एक्सट्रैडिक्शन, एडमिशन, पिलग्रिमेज, रेलवेज. नाउ रेलवेज इज नॉट अ सेफ्टी, रेलवेज इज प्रिविलेज, बोलो हाँ या ना. हाईवेज, शिपिंग, अभी हाईवेज बन रहे हैं तगड़े एकदम, गडकरी बोले सुनो, तो वो एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं. सो दीज आर टॉपिक्स. और ये ऐसे टोटल मैं आपको बताऊं ना, तो ये सभी जितने आपके इवन इनकम टैक्स एक्ट, हर लॉ जो आप पढ़ने वाले हो या आपने पढ़ा हो या जो लॉ इंडिया में लिखा हुआ है वो इस लिस्ट में से आ रहा होगा. अगर हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो सी दिस सब्जेक्ट नंबर 43, सब्जेक्ट नंबर 44, ये सब्जेक्ट के अंदर कंपनीज एक्ट बनाया गया है 2013. हमने पूरे 148 सेक्शन पढ़ लिए, हमको मालूम ही नहीं कौन सा सब्जेक्ट में बनाया. सो दिस इज एंट्री नंबर 43 44 ऑफ द यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट को पार्लियामेंट में बनाया है. दिस इज यूनियन लॉ. उसके अंदर लिखा है देखो, इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ द ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग. इसलिए मैंने कॉर्पोरेट लॉ के डेफिनेशन के अंदर आपको बैंकिंग इंश्योरेंस भी बताया था, इंक्लूडिंग बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बट नॉट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज. 44 इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन कॉर्पोरेशन वेदर और नॉट ट्रेडिंग विद द ऑब्जेक्ट कन्फाइंड टू वन स्टेट. ट्रेडिंग हो ना हो, प्रॉफिट मेकिंग हो ना हो, सेक्शन 8 कंपनी, वो भी कवर किया गया है. सो दिस इज वेयर योर कंपनीज एक्ट इज क्रिएटेड. कंसेप्ट समझ में? उसके बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देखो, 45 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है आपका. निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एंट्री इमीडिएटली आता है 46 में. निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स वाला लॉ, तो आपका वो भी लॉ 46 एंट्री में कवर्ड है. फिर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी वाला लॉ 48 में, स्टॉक एक्सचेंज वाला लॉ. तो आप कोई भी सेंट्रल लॉ, यूनियन लॉ उठा के देख लो, ये इन्हीं एंट्रीज में से फंसेगा. ऐसे यूनियन लॉ के कितने सब्जेक्ट है सर टोटल, सब पढ़ाओगे जीवन में? नहीं बेटा, सब नहीं पढ़ाएंगे, इतना समय नहीं है. 97 सब्जेक्ट है हमने अपने हमारे काम के याद रखने के. 43, 44, 47 ये हमारे काम के, ये हमारे सिलेबस के. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? 97 सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स बोले एक बार, 97. ये तो सेंटर के हो गए. नाउ स्टेट लिस्ट के, राज्य में क्या क्या. अब देखो, राज्य में भी पहले सेफ्टी, राज्य में पहले सेफ्टी चाहिए ना. अब आपने हमेशा देखा होगा हर राज्य की पुलिस अलग होती है. क्यों होती है अलग? सी दिस, पब्लिक ऑर्डर, सेकंड पुलिस, क्योंकि हर राज्य का पुलिस अलग है, पब्लिक ऑर्डर अलग है. स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस और पब्लिक ऑर्डर अलग जाता है, ट्रैफिक पुलिस भी अलग जाता है, प्रिजंस भी हर राज्य के अलग होते हैं. तो उन्होंने सबसे पहले सेफ्टी के लॉज डाल दिए, फिर उसके बाद में बेनिफिट्स, पब्लिक हेल्थ, पिलग्रिमेज, इंटॉक्सिकेशन ऑफ लिकर. लिकर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट, जैसे गुजरात ने बंद किया, महाराष्ट्र ने नहीं किया. महाराष्ट्र ने अभी टैक्स कम किया उल्टा लिकर के ऊपर. एक स्टेट तो ऐसा है जो लिकर के ऊपर ही चल रहा है, गोवा. तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ सस्ता मिलता है ना,
उन्हें टैक्सेस ही नहीं लगाए क्योंकि उनको मालूम है टूरिज्म के ऊपर उनका पूरा का पूरा स्टेट चल रहा है। बोलो हाँ या ना। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन, क्योंकि लिकर भी उनके हाथ में है। फिर लाइब्रेरीज, म्यूजियम, ऐसे स्टेट के कई सारे लॉज है, गुटका वुटका भी उसके अंदर लिखा जाता है, सभी इंटॉक्सिकेशन वाले लॉज। ऐसे टोटल 66 एंट्रीज है स्टेट के। आप स्टेट के बारे में 66 ऐसे सब्जेक्ट है, 66 सब्जेक्ट जिसके बारे में आप लॉ बना सकते हो। एंड देन देयर कम्स अ कॉन्करेंट लॉ, ठीक है, उसमें भी पहले सेफ्टी सभी लिखा है और फिर उसके बाद में उन्होंने जीएसटी वगैरह भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सर्च करोगे, एंट्रीज है 47, कितने हैं 47। सो मुझे एक बार वापस बताओ, यूनियन लॉ में कितने एंट्रीज है बच्चों, जोर से बोलो कितने एंट्रीज है। सो दीज आर 97 सब्जेक्ट्स। स्टेट लॉ में कितने सब्जेक्ट्स है बच्चों, 66 सब्जेक्ट्स। एंड कॉन्करेंट लॉ में कितने हैं, 47। भाई साहब ये जरूर पता होना चाहिए, तुम फास्ट ट्रैक पढ़ो तुम रेगुलर पढ़ो, पर ये तो पता होना चाहिए ना। तुमको यही नहीं पता कि कहां से पास होगा तो क्या पढ़ाऊं मैं तुमको आगे, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सब तो? हाँ ना, दिस इज वेरी बेसिक। और ऐसा नहीं मनगढ़ंत लगाया भी टीचर ने, ये है, इसी सिस्टम में तुमको काम करना है अगले 30 साल, ठीक है? तो दिस इज मस्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार, ये सुन लो, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, इसको लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। ये सेशन नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी वर्क करेगा बेटा अदिति, बिल्कुल करेगा। लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत है बिल्कुल पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सबका लिखना हो गया, फिलहाल बेटा फास्ट ट्रैक ले लो वंशिका, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू बेटा आदिति, चलो डन। लिखना हो गया सबका, चलो बहुत बढ़िया, उसके नीचे नोट डालना। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ पावर टू द पार्लियामेंट, द
द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ पावर टू द पार्लियामेंट एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर टू पास द लॉज इन द इंडिया टू पास द लॉज इन इंडिया. Full stop. Every single law of the India, every single law of India is covered in any one of the above three categories. Any one of the above three categories. Full stop. Clear sabne? Done everybody? Bula yes or no? Sure. Okay. So अब उसमें भी हमको सवाल का जवाब नहीं मिला है कि फिर Institute of Chartered Accountants of India 1949 किसने पास किया. अभी भी सवाल का जवाब मिला क्या? जोर से बोलो. इसका आंसर आपको कल मिलेगा विद द पास ऑफ प्रोसेस ऑफ पासिंग द लॉ. आज सस्पेंस में ही रहो, ठीक है? चलेगा. आज हम काफी करते हैं बिकॉज दिस इज टुडेज लेक्चर ओनली शॉर्ट बिकॉज ऑफ मंडे, ठीक है? कल हम वापस से 4:15 बजे मिलेंगे. कल का लेक्चर रेगुलर टाइम पे आपका शुरू भी होगा और खत्म भी होगा. ओनली मंडे इज द एक्सेप्शन, ठीक है? चल आज के लिए काफी करते हैं. इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बोलो अच्छा. अरे जोर से बोलो. जोर से बोलो. बोला जय माता दी बोलना, ठीक है? सो जोर से बोलो. चलो गुड डे. गॉड ब्लेस यू गाइस.